आज बिजनौर में पीएम मोदी की रैली, 1000 लोग रहेंगे शामिल। अमित शाह का शाम 5 बजे लोकसभा में संबोधन, ओवैसी पर हुए हमले पर देंगे जवाब। अरुणाचल प्रदेश के पोंगिन में आया भूकंप, रिएक्टर पैमाने पर 4.3 रही तीव्रता। दिल्ली की हवा हुई खराब, AQI 319 पहुंचा। यूपी में आज योगी का मैराथन प्रचार, 4 जिलों में करेंगे रैलियां। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए महज कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, लिहाजा पहले चरण के मतदान के लिए एपिसेंटर बना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जमकर शब्दों के तीर चले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जहां अलीगढ़ से समाजवादी पार्टी पर हमला बोला, तो वहीं अखिलेश यादव ने करहल से सीएम योगी के खिलाफ हुंकार भरी। वहीं मैनपुरी से मायावती ने भी विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। इस दौरान प्रदेश के 3 बड़े नेताओं ने एक दूसरे पर वार पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। लूटपाट करते थे, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, व्यापारी व्यापार नहीं कर पाता था, अराजकता का तांडव था। वे लोग आज किस मुंह से वोट मांगने के लिए आ रहे हैं? भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को कोरोना का जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, ऑनलाइन एजुकेशन और ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए भी तैयार करेगा। संसद में सपा ने SC/ST का पदोन्नति में आरक्षण का बिल फाड़ दिया तथा फिर उसे पास भी नहीं होने दिया था। SC/ST के छात्रों का विदेश जाकर पढ़ाई करने की योजना को खत्म कर दिया। इस चुनाव में ऐसी समाजवादी पार्टी को किसी भी कीमत पर अब सत्ता में नहीं आने देना है। और इतना ही नहीं, बल्कि मैं तो ये भी सोच रही थी सपा सरकार के हटने के बाद शायद BJP की सरकार सपा के इन फैसलों को जरूर बदल देगी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिसने सपा की तरह BJP की सरकार की भी जिससे सपा सरकार की तरह BJP सरकार की भी दलितों व अन्य पिछड़े वर्गों एवं इनके संतों गुरुओं व महापुरुषों आदि के प्रति जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है। इसलिए इस चुनाव में सपा के साथ साथ BJP को भी हमें सत्ता में आने से जरूर रोकना है। और सोचा करो क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री खुद चलाना नहीं जानते और समाजवादियों का दिया हुआ लैपटॉप अभी भी चल रहा है, चल रहा होगा आज भी खड़ा नहीं होगा। और जैसा हम लोगों ने बनाया था वैसे ही वो बना रहे हैं। ऑन करो तो उनकी फोटो दिखाई दे। समाजवादी सरकार आएगी तो उनका मोबाइल से जो फोटो आता है वो भी निकालने का काम कर देंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने जहां सपा सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं मायावती ने भी BJP और सपा दोनों पर निशाना साधा। अखिलेश भी हमलावर नजर आए योगी सरकार पे। खबर महोबा से है जहां भाजपा प्रत्याशियों के लिए जनता का आशीर्वाद मांगने कबरई पहुंचे रक्षा मंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा की योजनाओं का बखान किया और भाजपा प्रत्याशी राकेश गोस्वामी के पक्ष में वोट देने की अपील लोगों से करते हुए विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। वहीं इस दौरान रक्षा मंत्री ने राहुल गांधी को इतिहास पढ़ने तक की नसीहत दे डाली।
आप लोग योगासन करते हैं कि नहीं करते? आप लोग योगासन करते हैं कि नहीं? क्या भैया करते हैं ना? भैया तू करता हो कि नहीं? अच्छा, करते रहिए योगासन, अगर करते रहिए। हमारे यहाँ विकास योगासन कर रहा है। वैसे मैं बता दूंगा आपको, देख लीजिएगा जाकर, 84 योगासन होते हैं। तो हमारे उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होने के कारण, क्योंकि विकास की पहली शर्त होती है कानून और व्यवस्था का चुस्त दुरुस्त होना। तो हमारे यहाँ विकास जो योगासन कर रहा है, 84 में 83 योगासन कर रहा है। एक योगासन हम लोगों ने समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस के लिए छोड़ दिया। और जानते हैं कौन सा योगासन छोड़ दिया है? शीर्षासन। क्योंकि जो आते हैं, विकास तो होता ही नहीं, विकास तो उल्टा बल्कि बर्बाद होने लगता। यूपी विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी भी खेला करने पहुंच रही हैं। ममता आज लखनऊ आ रही हैं, यहां वो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ बैठक करेंगी और कल यानी 8 फरवरी को अखिलेश के समर्थन में वर्चुअल रैली भी करेंगी। गौरतलब है कि अखिलेश भले ही बंगाल चुनाव में दीदी के लिए प्रचार करने नहीं पहुंचे थे, लेकिन ममता बनर्जी को उन्होंने खुला समर्थन दिया था। बता दें कि खुद अखिलेश यादव भी चाहते थे कि दीदी यूपी में उनकी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करें। अब तक एसपी को क्षेत्रीय दलों के साथ साथ एनसीपी आरजेडी समर्थन दे चुके हैं और अब टीएमसी का साथ मिलने की भी उम्मीद है। खबर मैनपुरी से है, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट पर पलटवार करते हुए पूर्व सपा सांसद तेज प्रताप यादव ने कहा कि मौर्य को खुद तो गांव में घुसने नहीं दिया जाता है, पहले वो खुद तय कर ले कि कौन उनकी पार्टी का नेता है, क्योंकि भाजपा में सभी छोटे बड़े नेता एक दूसरे से कुर्सी के लिए खींचतान कर रहे हैं। और क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। चुनाव होने वाला है, करेल में ये स्थिति किस तरीके से देखने को मिलेगी? देखिए, योगी जी तो पहले से 85% पे हैं, 100% उनका वोटर तो है नहीं, मुसलमानों को वो अलग मानते हैं। और करहल में आप सर्वे करके देखिए, किसी गांव, आज हम जिस गांव में बैठे हैं, यहाँ सभी समाज के लोग हैं और इन्होंने खुद इस मीटिंग को लगवाया। और आप देखते हैं बड़ी संख्या में लोग, गांव के सभी लोग मौजूद हैं। आज लोग इनके झूठी बातों से और जो हिंदू मुसलमान और जात पात और जो भेदभाव का काम इस सरकार ने किया, आज उसके खिलाफ़ एकजुट हैं। और रोज़गार के लिए, किसान अपनी खुशहाली के लिए, महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए आज वोट देना चाहती हैं। इसलिए योगी जी के जो वादे और दावे हैं वो केवल खीज है, हाथ सामने दिखाई दे रही, इसलिए वो दूल जुल बयान दे रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे करैल की? करैल की जनता ने हमेशा समाजवादी पार्टी और समाजवादी आंदोलन को बहुत मजबूत किया। बड़े बड़े नेता यहाँ से निकले, चुनाव जीते, लोगों ने आशीर्वाद दिया और इस बार पूरे प्रदेश में रिकॉर्ड बनाने का काम हम लोग करेंगे करैल से। यहाँ के लोग बहुत उत्साहित हैं राजशेखर जी के आने से और मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियों के प्रमुख नेता लगातार अपने प्रत्याशियों की जीत के लिए प्रचार प्रसार करने में पूरा जोर लगा रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा नेत्री रूबी आसिफ खान ने अपने आवास पर हवन यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें करीब 1 दर्जन मुस्लिम महिलाओं ने हिस्सा लिया। वहीं मुस्लिम महिलाओं ने यज्ञ में आहुति देकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीत की कामना की। किस तरह का हवन यज्ञ किया गया था? योगी जी की जीत के लिए किया गया था कि उत्तर प्रदेश में हमारे योगी जी की सरकार आए यूपी में फिर से, इसलिए हमने ये यवन ये रखवाया था अपनी मुस्लिम महिलाओं के साथ मिलकर। सभी ने दुआ की थी, भगवान से प्रार्थना भी की थी कि फिर से विजय पाएँ हमारे योगी जी मुख्यमंत्री विजय पाएँ। किया गया था आज हमने ये आह्वान योगी जी की जीत के लिए किया है कि वो फुल बहुमत से जीत कर यूपी में दोबारा मुख्यमंत्री बने, 350 से ज़्यादा हमारी सीटें आए, हमने इसलिए यह आह्वान किया है। तो मुस्लिम महिलाओं के साथ? मुस्लिम महिलाओं के साथ किया है क्योंकि वो खुश हैं मुस्लिम महिलाएं कि आज उन्हें इज्जत से जीने का मौका मिला है। 3 तलाक कानून जो लागू किया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वो बहुत खुश हैं इससे, इसलिए वो हमसे जुड़ना शुरू हो चुकी हैं अब। और हमारी
यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत गर्म है। वहीं जनपद की बहुचर्चित विधानसभा तिलोई में इन दिनों सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं कुछ राजनीतिक दलों के गुर्गे सत्ता के नशे में चूर आम जनता पर अपनी धौंस जमाने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि जायस कोतवाली अंतर्गत ग्राम खरौली के निवासी पत्रकार मनीष सिंह ने बताया कि मैं पूर्व में मौजूदा विधायक के खिलाफ खबर प्रकाशित किया था, जिसमें उन्होंने आदर्श आचार संहिता और कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया था, जिसको लेकर खबर प्रकाशित होने के साथ ही विधायक के साथ ही उनके गुर्गे पत्रकार के ऊपर जानलेवा हमला करने की धमकी दी है, जिसको लेकर पीड़ित पत्रकार ने स्थानीय थाना जायस में तहरीर देते हुए शिकायत की और न्याय की गुहार लगाई। जी, मेरा नाम मनीष सिंह है, मैं पत्रकार खरी कसौटी जनपद अमेठी के कोतवाली जायस में रिपोर्टिंग करता हूँ। क्या हुआ आज? मेरे साथ ये हुआ कि पूर्व में मैंने एक खबर प्रकाशित की थी, माननीय विधायक जो मौजूदा हैं मैकेश्वर शरण सिंह 178 तिलोई विधानसभा के खिलाफ। उसमें उन्होंने किया क्या था कि उन्होंने कोरोना गाइडलाइंस का पालन न करते हुए, आचार संहिता को उल्लंघन करते हुए उन्होंने गमछा वितरण का कार्यक्रम किया था और जन रैली को, जन समूह को जो सरकार का नियम है उसके प्रति उन्होंने उसका उल्लंघन किया। उसके बाद मैंने एक खबर जो प्रकाशित की थी उसका मैंने एक ट्विटर पे भी डाला और सब जगह मैंने जो है प्रकाशित किया। अच्छा, उस पर जो है उन्होंने अपने गुर्गों से तमाम तरीके से कई लोगों से मुझे ये कहलवाया कि तुमको जान से मरवा दूंगा, ये है वो है, व्यक्तिगत रूप से किसी दूसरे से। अच्छा, मेरे पास भी फोन आया तो उसमें मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं थी। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा आज भी जारी रहेगी। वहीं आज शाम को लोकसभा में पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का जवाब दे सकते हैं। कल मंगलवार को राज्यसभा में ये जवाब दे सकते हैं और लोकसभा में प्रधानमंत्री का जवाब संभवतः केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ओवैसी पर हुए हमले पर विस्तृत जवाब के बाद होगा। वहीं राज्यसभा में तीन दिन से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है। इस चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष से जुड़े सांसद जहां मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और नीतियों को लेकर सरकार की पीठ थपथपा रहे हैं, तो वहीं विपक्षी पार्टी के सांसद सरकार की नाकामियों का जिक्र करते हुए सरकार को घेर रहे हैं। चर्चा पूरी होने के बाद प्रधानमंत्री चर्चा के अंत में सदन के सामने अपना वक्तव्य रखेंगे। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर पूरा देश गमगीन है। वहीं खबर एरवा कटरा से है जहां प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर के निधन की खबर न्यूज चैनल के माध्यम से पहुंची तो लोगों ने कैंडल जलाकर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि आर्टिस्ट नवीन कुमार सक्सेना ने लता जी की फोटो अपने हाथों से बनाकर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। आर्टिस्ट नवीन कुमार ने कहा, वैसे तो हम भी लता बहुत बड़े फैन हैं और हमने भी काफी गाना गाए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आर्टिस्ट नवीन पेंटर। कहाँ के निवासी हैं आप? हम भैतपुर के निवासी हैं और अरवा कटरा में हमारी दुकान है, छोटी सी शॉप है और आज हम ये दुख की घड़ी में हमारे देश ने एक रत्न खोया है, लता मंगेशकर जी आज हमारे बीच नहीं है। हम लोगों को बहुत कष्ट है कि हमारे देश से एक भारत रत्न हमने खो दिया है। अब ना लता जी कभी आएंगी और मैंने और मेरे साथियों ने, कई लोगों ने, मैं पेंटर के साथ एक छोटा सा गायक भी हूँ, मैंने उनसे बहुत बड़ी सीख ली है, लेकिन उनके जैसा ना मैं गा पाया हूँ, ना गा सकता हूँ, ना आगे लता जी आएंगी और आज हम लोगों के बीच नहीं रही हैं, तो मैं उनके लिए 2 लाइन कोशिश करूंगा, गा तो नहीं सकता हूं लेकिन कोशिश करूंगा। नमन कर सकते हो? और नमन कर रहा हूं जी। तो 2 लाइनें लता जी के लिए। कि चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले।
विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद प्रशासन हाई अलर्ट पर है, तो साथ ही पुलिस अब अपराधियों की धरपकड़ में फुल एक्शन में है। हरदोई जिले में अवैध शराब बनाने वालों पर अब तक का सबसे बड़ा एक्शन लिया गया है, जिसमें 107 अभियुक्तों के साथ पुलिस ने कई भट्टिया और 1,00,000 लीटर से भी अधिक लहन बर्बाद की है। SP राजेश द्विवेदी के मुताबिक आचार संहिता के दौरान पुलिस को अब तक की सबसे बड़ी सफलता मिली है, जिसमें पुलिस के हाथ अभियुक्तों समेत गैर कानूनी काम करने में साजो सामान भी बरामद हुआ है। गांव में अब बहुत कम समय रह गया है, इसके चलते विगत दिनों हम लोगों ने अपराधियों की धरपकड़ के विरुद्ध अभियान चलाया था। अभी हाल में ही अवैध शराब फैक्ट्री पकड़ी गई थी। चूँकि हमारी फोर्स बाहर जानी थी चुनाव के लिए, इसलिए कल दिनांक 5/2 से आज 6/2 तक हमने आबकारी विभाग से मिल करके अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाया, जिसमें 24 घंटे में हमारे सभी थानों की पुलिस ने एवं आबकारी विभाग के लोगों ने मिल करके लगभग 70 भट्टियाँ इनको पाया, इनको तोड़ा। 5,863 लीटर अवैध शराब बरामद की, 1,00,000 लीटर से ऊपर का लहन डिस्ट्रॉय किया गया और 107 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। इनमें इन अभियुक्तों के पास से एक राइफल, देसी राइफल। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। 2023 तक रामलला को गर्भगृह में स्थापित करने के लिए आज बैठक में मंथन हुआ, तो वहीं अयोध्या को आधुनिक सुरक्षा उपकरणों से लैस करने की भी तैयारी है। बता दें कि मॉडर्न कंट्रोल रूम से पूरे अयोध्या की निगरानी की जाएगी। आज सर्किट हाउस में राम मंदिर निर्माण समिति को 2 दिवसीय बैठक संपन्न हुई है और राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने कहा कि कार्य की प्रगति कार्य अवधि के अनुरूप चल रही है। प्लिंथ के निर्माण में ग्रेनाइट स्टोन लगाया जा रहा है। बंसी पहाड़पुर के 17,000 ग्रेनाइट स्टोन अयोध्या पहुंच चुका है। अनिल मिश्र ने बताया कि राम मंदिर के साथ साथ अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था हाईटेक होगी। काम की प्रगति जो निर्धारित कार्यावधि है उसके अनुरूप चल रही है। इस समय प्लिंथ का जो ग्रेनाइट स्टोन है वो लग रहा है 17,000 ग्रेनाइट स्टोन, जहाँ पर बंसी पहाड़पुर के पत्थर लगा करके मंदिर बनाए जाने हैं, जिसको मंदिर का फुटप्रिंट कहेंगे, उस पर लगने वाले हैं। उसकी पहली लेयर का काम अभी चल रहा है, जिसमें से आए हुए सभी अभी लगभग 700 पत्थर वो अभी लगाने का क्रम जारी है। प्रतिदिन ऐसे कोई 20 से 25 पत्थर लगाए जा रहे हैं। आने वाले समय में इसको कैसे 80 से 100 पत्थर प्रतिदिन लगाए जाएँ। इस उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV।